हिमाचल में कांग्रेस के साथ कैसे हुआ खेला। रोटरी में नाम निकलने पर हार गए सिंघवी। जाने क्या है वो नियम जिससे बीजेपी ने जीती बाजी। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। राज्य चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को भले ही जटिल से जटिल कानूनी मामले जीतने की आदत हो, लेकिन मंगलवार को जिसे उन्होंने जीत समझा था वह जल्द ही हार में बदल गया। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में वह प्रतिद्वंदी के साथ अप्रत्याशित मुकाबले में फंस गए थे। कुछ कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग के कारण यह मुकाबला बराबरी पर फंस गया था। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद परिणाम के लिए ड्रॉ की आवश्यकता पड़ी। अब इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य, सिंघवी ने ड्रॉ में जीत हासिल की, लेकिन इसे भाग्य का क्रूर खेल ही कहेंगे, वह जीत कर भी हार गए। जानते हैं आखिर क्या है वो नियम जिसमें ड्रॉ के नाम आने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस में कैसे हो गया खेल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 विधायक हैं, इनमें कांग्रेस के 40 विधायक हैं, राज्य में भाजपा के 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में जीत के लिए 35 मतों की जरूरत थी। मतदान में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद दोनों उम्मीदवारों को बराबर 34-34 वोट मिले। ऐसे में जीत का फैसला ड्रॉ के जरिए हुआ। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाले विधायकों में धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सार से इंद्रवत लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, कुटलेहड़ से देवेंद्र भुट्टो और गगरेट से चैतन्य शर्मा शामिल रहे। लॉटरी में नाम निकले पर क्यों मिलती है हार। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 75(4) के मुताबिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने की स्थिति में ड्रॉ का सहारा लिया जाता है। नियम के अनुसार जहां एक अकेली राज्यसभा सीट के लिए 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को समान मूल्य के वोट मिलते हैं, वहां सबसे कम मूल वोट वाले उम्मीदवार को ड्रॉ द्वारा बाहर कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों को एक बॉक्स में रखता है। इस बॉक्स में पर्चे निकालने से पहले उसे हिलाया जाता है। इसमें जिस उम्मीदवार की पर्ची निकाली जाती है वह मुकाबला हार जाता है। ऐसे में जिसकी पर्ची बॉक्स में रह जाती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है।